हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। अब पवन उपासन के दूसरे भाग शुरू करते हैं। दोनों लेटे हुए हैं, बाएं पैर से हमेशा जब भी हम क्रिया करते हैं तो बाएं पैर को ही पहले क्रियाशील करना है या बाएं भाग को ही क्रियाशील करना है, ताकि मन प्राण दोनों साथ साथ काम करें। बाएं पैर को उठाना है, पहले दोनों पैरों को नजदीक रखें, बाएं पैर को उठाना है, उत्तान पादासन करना है, श्वास के साथ करना है, और श्वास लंबी गहरी हो और उज्जयी प्राणायाम में हो तो क्रिया का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। तो हम करने जा रहे हैं उत्तान पादासन। श्वास लीजिए, बाएं पैर को उठाना, थोड़ा सा रुकना और छोड़ते हुए झुकाना। अब दाएं पैर को श्वास लेते हुए उठाएं, छोड़ते हुए झुकाएं। लेते हुए बाएं पैर को उठाएं, छोड़ते हुए झुकाएं। लेते हुए बाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकाएं। ऐसे ही 5 बार करना है कम से कम, उसे ज्यादा हो तो अच्छा ही है। और आप सोचो कि आप प्राणायाम ही कर रहे हो। प्राणायाम के 3 आयाम है, श्वास लेना इनहेलेशन, उसको कहते हैं योगिक भाषा में पूरक, फिर एक्सहेलेशन यानि रेचक, और इन दोनों के बीच है कुंभक। कुंभक का मतलब है रिटेंशन, बंद करना। कभी कभी श्वास ले करके बंद करते हैं तो कभी कभी श्वास छोड़ करके बंद करते हैं, कभी इंटरनल रिटेंशन तो कभी एक्सटर्नल रिटेंशन, अंतर कुंभक बहिर्कुंभक करते हैं। तो अब दोनों पैरों को उठाना है, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, दोनों हथेलियों को थोड़ा सा कमर के नीचे रखें ताकि उठाने में ये सहज हो जाए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे उठाएं, ये अंतर कुंभक है, छोड़ते हुए फिर से और एक बार, छोड़ते हुए झुकाएं। ऐसे ही 5 दफा करना है, उत्थान पादासन 5 बार कम से कम होना चाहिए। अब हम दूसरी क्रिया करने जा रहे हैं पवन उपासन पार्ट 2 के, जिसका नाम है पादचक्रासन। ये पादचक्रासन बाएं पैर से ही पहले करना है। गोलाकार घुमाएंगे, बाएं तरफ से, बाएं पैर को बाएं तरफ से घुमाना है। श्वास लेते हुए अब घुमाएं बाएं पैर को, छोड़ते हुए झुकाएं। श्वासों के साथ सामंजस्यता स्थापन करके ही करना है। बाएं पैर को फिर से घुमाएं, छोड़ते छोड़ते झुकाएं। ऐसे बाएं पैर से 5 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाना है। दाएं पैर को भी ऐसे ही क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 5-5 बार घुमाना है। चलिए दाएं पैर से क्लॉकवाइज घुमाते हैं, श्वास लीजिए। उल्टा घुमाना भी है एंटी क्लॉकवाइज, लीजिए श्वास। ऐसे ही श्वासों के साथ सामंजस्यता रखते हुए 5-5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब दोनों पैरों के साथ यही क्रिया को दोहरानी है। दोनों पैरों को नज़दीक करें, दोनों हथेलियों को अपने कमर के नीचे रखें ताकि क्रिया आसान हो जाए। बाएं तरफ से घुमाना है क्लॉकवाइज, लीजिए श्वास। वही उज्जयी प्राणायाम से ही हम ये क्रियाएं कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास के साथ सामंजस्यता रखते हुए क्रिया को अच्छी तरह निष्पन्न करिए। चलिए दाएं तरफ से घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, लीजिए श्वास। बस ये हो गया पाद चक्रासन। अब हम पाद संचलनासन करने जा रहे हैं और लगातार ये जो तीन क्रियाएं हो रही है, उत्थान पादासन, पाद चक्रासन और पाद संचलनासन, ये तीनों क्रिया अगर करते हैं रोज कम से कम 5-5 बार और 10-10 बार हो तो अच्छा है। अगर वजन घटाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं ये, बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं ये तीन क्रियाएं। वजन घटाने के लिए, अपच को दूर करने के लिए, गैस्ट्राइटिस को दूर करने के लिए, पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ही शानदार क्रियाएं हैं। अभी पाद संचलनासन करना है। पाद संचलनासन बाएं पैर से पहले करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए और वही लंबी गहरी श्वास लेते समय आगे फैलाना है और छोड़ते समय फोल्ड करना है। चलिए छोड़ते हुए फोल्ड करते जाइए। उल्टा घुमाना है, चलिए श्वास लेते लेते ऊपर की ओर घुमाना और फोल्ड करके फिर श्वास छोड़ते छोड़ते आगे की ओर बढ़ाना। लेते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए आगे की ओर, ऐसे ही दाएं पैर से भी ये क्रिया को दोहराएंगे। बस अब दोनों पैरों के साथ यही क्रिया को दोहरानी है। हथेलियों को नितंब के नीचे रखें और दोनों पैरों को फोल्ड करिए। लेते हुए आगे की ओर बढ़ाना है। पहले श्वास लेते हुए ऊपर की ओर करना है, फिर आगे की ओर बढ़ा करके जमीन पर रखना है।
श्वास लेने तक पैर जमीन पर आ जाए। लीजिए, छोड़ते छोड़ते फोल्ड करते जाइए। ऐसे 5 बार घुमाने के पश्चात अब उल्टा घुमाना है। चलिए, ऐसे ही दोनों पैरों के साथ पादासनचलन आसन श्वासों के साथ करिएगा। अब हम लोग सुप्त पवन मुक्तासन करने जा रहे हैं। सुप्त पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छी क्रिया है। माताओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छी क्रिया है, क्योंकि उसको करके गायनिक प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हैं। अभी अभी जो 3 क्रियाएं होगी, जो बीमारियां रहती हैं माताओं की, गायनिक प्रॉब्लम्स की बीमारियां जो रहती है, इनको दूर करने के लिए ये बेहतरीन क्रियाएं हैं। अब सुप्त पवन मुक्तासन करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को फोल्ड करके दोनों हाथ से घुटना को पकड़ लीजिए और श्वास छोड़ते छोड़ते सिर को उठाइए, नाक को घुटना पर लगाइए। लेते हुए सीधा करिए। एक बार बाएं से तो दूसरे बार दाएं से। अब दाएं पैर को मोड़ना। छोड़ते हुए सिर को उठा करके नाक को घुटना पर लगाइए। मेरी श्वासों के साथ सामंजस्यता जरूर रखिएगा। छोड़ते छोड़ते बाएं पैर को फोल्ड करके लगाइए। लेते हुए सीधा। फिर से एक बार लेते हुए सीधा। ऐसे ही दाएं पैर से रिप्रोडक्टिव डिजर्डर्स दूर होते हैं। तो चलिए दोनों पैरों के साथ करते हैं। सुप्त पवन मुक्तासन करने के पश्चात हम लोग नेक्स्ट क्रिया करेंगे। परवर्ती क्रिया है। ऐसा करना है तैयारी। दोनों हाथों को जोड़ना और सिर के नीचे रखना। दोनों पैरों को मोड़ना, घुटनों को साथ साथ रखना। सुप्त उदर कर्षणासन कहते हैं ये क्रिया को। जिनके बैकबोन प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि बैक एक, कमर दर्द, ये दूर होता है। मृदुगण स्वस्थ रहता है। पाचन संस्थान, प्रजनन संस्थान पल्लवित होते हैं। तो चलिए करते हैं। पहले बाई तरफ झुकाना है दोनों घुटनों को और सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ मोड़ करके दाईं केहूनी को देखना है। बाईं तरफ पहले श्वास छोड़िए। लेते लेते सीधा। छोड़ते छोड़ते दाईं तरफ झुकाना। और लेते लेते सीधा दाएं तरफ।
चाहे 2 सेकंड के लिए क्यों ना हो, थोड़ा सा रुकना चाहिए। श्वास बाहर है, बहिर्कुंभक करते हुए लेते हुए फिर उठाना। छोड़ते हुए अंदर। अब परवर्ती क्रिया करेंगे जिसका नाम है कंधरासन। इसको करने से कमर दर्द, पेट दर्द दूर होता है, पाचन संस्थान सक्रिय होता है, डाइजेस्टिव डिजर्डर्स दूर होते हैं। तो करना है, देखिए, दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़ लीजिएगा और अब ये प्रस्तुति होने के पश्चात कमर को धीरे धीरे श्वास के साथ उठाएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे उठाइए, जितना हो सके कमर को उठाएंगे और छोड़ते छोड़ते फिर झुकाएंगे। अंतिम स्थिति में थोड़ी सी रुकनी है, थोड़ी देर के लिए। लेते लेते उठाइए, यहां रुकना है, छोड़िए। ये हो गया। अब अंतिम क्रिया करेंगे नौकासन। नौकासन में दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ उठा करके एक सीधी रेखा में रखना है। सिर, पैर और हाथ। तो चलिए ऐसे ही करना है। पहले श्वास लेना है, श्वास को अंदर बंद रखना है और ये क्रिया करेंगे। श्वास लीजिए, बंद रखिए, उठाइए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर। रुकना है थोड़ी देर के लिए, फिर झुकाना है धीरे धीरे। फिर श्वास छोड़ते हुए झुकाइए। और एक बार, अंतिम बार लीजिए, उठाइए, छोड़िए। यह है पवन मुक्तासन दूसरे भाग की क्रियाएं। यहां उत्तान पादासन, पाद चक्रासन, पाद संचलनासन और उसके पश्चात सुप्त पवन मुक्तासन, सुप्त उदरकर्षणासन, कंधरासन और अंत में नौकासन आदि क्रियाएं हो गई। ये बहुत ही लाभदायी क्रियाएं हैं, जरूर करिएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।